अंदर है सोनू सर, सोनू सर यहाँ पे करिए इधर। सर एक स्टेप पीछे हो जाएंगे, पीछे हो गया। सर सेंटर लुक, कैमरा लुक। चलो प्रियंका, प्रियंका किधर बाइक। टीम तो हमारी फैमिली है और आशीष जोशी जी और सारी पूरी टीम ने मिलकर बहुत मेहनत की है। मैं तो उसका एक नुमाइंदा हूँ, मैं कह सकते हैं मैं उसका एक फेस हूँ और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, पर सारी मेहनत तो हमारी टीम की है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक मौका है सारे गायकों और गायिकाओं के लिए अपनी अपनी कला को पेश करने का। मैं भी इसको यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आया। सर आज क्या किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके के स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन, जजेस सब एक्साइटेड है, व्हाट डू वांट टू से? बेसिकली आर्टिम सुपरस्टार एमलगमेशन ऑफ वन ईयर ऑफ एफर्ट्स, वी डू लॉट ऑफ शोकेस इवेंट्स। ये पूरा एक ग्रैंड फिनाले जो बना है उसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स हुए एंड फाइनल्स में दे वर ऑल एक्साइटेड टू कम ऑफलाइन बिकॉज आज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वी टीच ऑनलाइन but the superstar is happening offline and what better than have someone like Sonu ji and many other judges who have come to bless them. For them it's dream come true, right? I mean ye inke jeevan mein kabhi hone wala nahi hai, so we are thankful to all the judges who have come on board and they are blessing us. Sonu sir, ye jo changes hai social media platforms ke through, kafi log apne skills hote hai, talent hote hai, showcase kar pate hai. Jo gana hum jo pehle aapke jo gaane hum pehle sunte aa rahe hai, अभी हम देखते हैं गाने का रीमेक होता है। अभी हाल ही में आपने हनुमान चालीसा गाया है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए, जो मतलब कैसा एक्सपीरियंस। आपके चार सवाल एक साथ पूछे, मुझे किसका आंसर दो समझ नहीं आया मुझे। कहाँ आपने पहले सोशल मीडिया की बात बोली, फिर रीमेक की बात बोली, फिर हनुमान चालीसा की बात बोली, अभी किसका आंसर दूँ मैं बताइए। सोशल मीडिया में जो गाने आते हैं, जो मतलब टैलेंट शोकेस करते हैं सब ऑडियंस, और जिस हिसाब से प्रिपरेशन होता है, वो चेंजेस को सोशल मीडिया के जो चेंजेस को आप किस तरीके से देखते हैं? चेंजेस होते रहते हैं सोसाइटी में, डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग एक्सपोजर। और आपके गाने अभी हाल ही में आपने हनुमान चालीसा लाया है, अपने इसको दो साल हो गए, दो साल हो गए, बट अभी भी सुनते हैं और लोग काफ़ी लोग अभी भी मतलब पसंद करते हैं। जी 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 जी, हम ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान हमारे हाथ से निकालते रहे, हमारे गले से अच्छी बातें आती रही, बस ये क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? हम अपने आरटीएम के हिसाब से बात करूँगा तो जो सीखने की विद्या हमें बचपन में नहीं मिल पाई, आरटीएम की वजह से इस विद्या को दुनिया के कोने कोने तक लोगों को बांटा जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है, इसका मैं हिस्सा हूँ, मुझे इसकी बहुत खुशी है। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।